बड़वानी जिले के राजपुर विकास खंड के ग्राम छोटी खरगोन में पानी की किल्लत से आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का घेराव किया। राजपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत छोटी खरगोन में ग्रामीण इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो पिछले कई वर्षों से ग्राम में पानी की समस्या बनी हुई है। बार बार आवेदन निवेदन के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है और आज तो हालात यह है कि ग्रामीणों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, जिसके बाद आज ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का घेराव कर दिया। हालांकि जवाबदार इस मामले में लोगों की समस्या तो बता रहे हैं, लेकिन उसका हल क्या होगा इस बात का जवाब नहीं है। इस मामले में जब SDM राजपुर से बात की तो उन्होंने कहा कि कल भी ग्रामीण आए थे, ज्ञापन दिया था। बड़वानी से अतुल और ठिकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। गाँव में जल समस्या है और भयंकर रूप से जल समस्या है। यहाँ पे करीबन 1.5 से 2 महीने से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। 2-2 किलोमीटर तक लोगों को जाना पड़ रहा है, कोई 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कोई कोटी से ला रहा है, कोई सर पे ला रहा है। महिलाओं को नंगे पाँव 2-2 किलोमीटर तक जाके लाना पड़ता है। जो प्राइवेट ट्यूबवेल से वहाँ पे जाके लाते हैं वो भी लोग मना कर दे रहे हैं कि भैया पानी नहीं मिलेगा तुमको। वो आधा घंटा, 5 मिनट 10 मिनट उनके अनुसार अपने टाइम के हिसाब से चलाते हैं, लेकिन उसमें भी पर्याप्त पानी नहीं होता। उनको कभी कभी तो खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। तो जो गरीब जो है, बड़े जो लोग हैं वो तो टैंकर वगैरह से फिर भी 5-10 लोग जो है वो व्यवस्था कर लेते हैं अपनी, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनसे व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको 2-2 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ रहा है। खास करके महिलाओं को इतनी भरी धूप में नंगे पाँव जा रही है और उसके बाद भी उनको पानी की व्यवस्था नहीं। जब उनको हमने पंचायत में पूछा तो बोले आपका जो हमारे पास ट्यूबवेल नहीं है। हमने जब उसका रिकॉर्ड चेक किया तो कम से कम 3 ट्यूबवेल 2016 के बाद इन्होंने खरीदी है। 2016 में खरीदी ट्यूबवेल, उसके हमारे पास रिसिप्ट है। 2018 में खरीदी थी, उसकी एक रिसिप्ट है। 2019 में अभी 2 महीने पहले एक नई ट्यूबवेल खरीदी है, लेकिन उसमें से आधी से ज़्यादा ट्यूबवेल्स ये अपने प्राइवेट पंप्स में डाल के, प्राइवेट बोरवेल में डाल के अपने खेतों में चला रहे। सरकारी जो ट्यूबवेल्स है, सरकारी जो संसाधन है, उनका कहीं से कहीं तक उपयोग नहीं हो रहा है और उसके बावजूद भी 150-150 रुपये अभी तक वसूल कर रहे थे। पिछले महीने तक भी इन्होंने पूरी वसूली कर ली। एक या दो ही बंदा बचा होगा समस्त जितने भी गांववासी थे, जिनको सबसे 150-150 रुपये हर महीने का वसूल करते हैं और उसके बाद भी पानी के लिए त्राही माम है गाँव में। नल जल योजना का लाभ मिला हुआ है गाँव को। गाँव ने जितना भी लाभ हो सकता है पंचायतों से और ऊपर सरकारी मशीनरी से पूरा लाभ उठाया उन्होंने, लेकिन जो लाभ जनता को जो मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं पहुँच रहा। जो जनता को जब पानी की व्यवस्था होना चाहिए थी वो नहीं हो। पानी के लिए मतलब बीच पे पानी लेते थे तो बीच पे पानी लेते हैं तो उसको पेमेंट देना रहता है। पंचायत के पास इतना पानी है नहीं, तो जो सरकारी बोर है उसमें एक मोटर डली, मोटर है बोर में, हाँ नेशपुरा में डली, सप्लाई हो रहा है पानी नहीं। वो नेशपुरा मतलब वहीं में फले फले होता है, तो गाँव के लिए लीज पे लीज क्या लिया था। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि सामने बोर है और बोर में मशीन नहीं है, मोटर नहीं है, इसको क्या कहें। मेरे पास अभी चार्ज आया है तो वो उसके पहले जिसके पास था उनके पास जानकारी।